रोज सुबह उठो और सुबह उठ के अपने सोशल मीडिया पे जिसको जो बोलना है वो बोल दो, लिख दो, वीडियो बना दो, डाल दो और उसको उस तरीके से उस पे अपनी सारी की सारी भड़ास निकाल दो। वेल, इट डजंट इट साउंड फेमिलियर? यही तो हो रहा है सब जगह, साइबर बुलिंग। कुछ दिनों पहले हमने बॉयज लॉकर रूम की कहानी सुनी थी। बॉयज लॉकर रूम में भी ऐसा ही हुआ। सम गर्ल्स वर हैरेस्ड, एम्बैरेस्ड बिकॉज़ ऑफ दैट ग्रुप। और कुछ दिनों पहले अग्रिमा जोशुआ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुभम मिश्रा नाम के एक लड़के ने ओपन थ्रेड दिया, ओपन रेप थ्रेड, इन अ कंट्री जहाँ पे हर 15 मिनट में एक रेप होता है। और ये बात मैं नहीं बोल रही, ये बात हमारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोल रहा है, जिन्होंने 2018 में रिपोर्ट निकाली थी और बोला था कि इंडिया में हर 15 मिनट में एक रेप होता है और ये वो है जो रिकॉर्डेड केसेस है। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपको आज तक कोई ना कोई ऐसा मैसेज या ऐसा कमेंट या ऐसा डायरेक्ट मैसेज आया ही होगा जिसमें किसी ना किसी ने आपको बुली किया हो या आपको एम्बेरस किया हो या आपको थ्रेटन किया हो। और मोस्टली लोगों को लगता है कि ये सब लड़कियों के साथ होता है क्योंकि यू नो वी लिव इन इंडिया, इट्स सच अ पेट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पे लड़कियों को तो हमेशा दबाया ही जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिटीज लाइक मुंबई एंड दिल्ली, बट अगर आप इंटीरियर्स में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द काइंड ऑफ स्ट्रगल्स दैट अ गर्ल फेसेस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी बहुत मैसेजेस आते हैं लोग। इनफैक्ट जब से मैंने वार्तालाप स्टार्ट किया है इतने लोग आते हैं जो काफी कुछ भी बोलते हैं। कल एक वायरल वीडियो जो मेरा रिसेंटली हुआ है उसके ऊपर एक लड़की आके बोलती है कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए या तुम्हें ऐसे डांस नहीं करना चाहिए या तुम्हें ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। वाह मैम, ये मेरा चैनल है, मेरा सोशल मीडिया है, मेरे को जो बोलना होगा मैं वो बोलूंगी और जिसको पसंद है वो आके देखे, जिसको नहीं पसंद है तो यार सिंपल एक डिसलाइक कर दो। लेकिन उसके लिए आपको आके दूसरे इंसान पे अपनी भड़ास निकालने की क्या जरूरत है? आई अंडरस्टैंड कि अभी COVID-19 के सिचुएशन में बहुत लोगों के पास जॉब नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है और इसी इसीलिए सबके दिमाग में कोई ना कोई भड़ास तो है जो निकालनी है उन्हें किसी पे, बट वाई ऑन समवन एल्स? एंड चलिए, अभी मैंने कहा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, आप सबको लगता है कि शायद लड़कियों के साथ ये होता है, सो लेट मी ब्रेक एंड बर्स्ट दिस बबल फॉर यू, ये सब लड़कों के साथ भी होता है। एंड टुडे ऑन माय शो आई हैव गॉट नॉट वन बट टू पीपल who have faced cyber bullying themselves। वो लोग साइबर क्राइम ब्रांच के साथ बात कर रहे हैं और अपना उन्होंने रिपोर्ट वहां पे दर्ज कराई है इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ सम साइबर बुलीज हु मेड लाइव्स ऑफ दीस पीपल डिफिकल्ट। अगर आपने क्रिएटिव्स देखे हैं तो आपको पता ही है कि ये दोनों लोग कौन है। वन ऑफ देम इज अ फेमस एमटीवी पर्सनालिटी, आपने इन्हें एमटीवी स्प्लिट्सविला 12 में देखा है। ही इज आल्सो एन एक्टर, पीयूष शर्मा। He is coming live with me, and along with him is his girlfriend, DJ Khushi. She is one of the famous female DJs in the country. She plays Bollywood and tech music. और इन दोनों के साथ साइबर बुलिंग का सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है, and finally they took a stand. और अभी इन्होंने एक हैशटैग भी जारी किया है, No, ignore no more. So if you are also facing cyber bullying, then please use the hashtag ignore no more because it's high time यार। कब तक हम सहते रहेंगे, कब तक इग्नोर करते रहेंगे, कब तक इन चीजों को अवॉइड करते रहेंगे कि ठीक है किसी ने कुछ बोल दिया अरे यार what can we do? We can do everything because that one message might be just one message for you, but उसके पीछे जिस इंसान ने लिखा है उसकी frustration, उसका mindset, उसकी mentality क्या है, we have no idea. और इसी मेंटालिटी को तो चेंज करना है। इफ इंडिया वांट्स टू बिकम अ फेमस कंट्री, इफ इंडिया वांट्स टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, आगे बढ़ना है हम लोगों को, तो क्या इस मेंटालिटी से बढ़ेंगे कि ये लड़की ने ऐसे कपड़े पहन लिए तो उस पे कमेंट कर दो अरे व्हाई आर यू शोइंग सो मच स्किन, ओ यू आर अ स्लट, ओ नो यू गो यू डू दिस यू डू दैट, व्हाई मैन व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मेरी जिंदगी, मेरा सोशल मीडिया, मेरे को जिससे जो बोला होगा करूंगी। चलिए, नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट मी टेक two people, my guests on Vardalap with Aakriti today, and let's speak to them. Hi! Hi, Aakriti! Hey. Hi, Piyush and Khushi. Hello, so good to have you on my show. Thank you. Thank you. What's up? How are you? Well, I'm fine. I'm all the more happier looking at both of you. Aaj pehli baar Vardalap with Aakriti pe ek saath do-do log aaye hain.
तो इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड फॉर मी एंड एट द सेम टाइम मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज, साइबर बुलिंग. और इसकी इस चीज से आई थिंक हर किसी ने फेस किया है अपने सोशल मीडिया पे. मैंने फेस किया है और आपने तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फेस किया है. सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी कि ऐसा क्या हुआ कि लोग आपको बुली करने लग गए सोशल मीडिया पे. सो अगर मेरी बात करें तो जब भी कोई इंसान को एक शो करता है, एक मतलब कोई भी शो करेगा, तो उसको कुछ लोग उनको अच्छा मानते हैं, कुछ मानते हैं बुरा मानते हैं. तो शुरुआत कहाँ से होती है? आई थिंक शो भी अगर हम साइड में उसको रख दें, इंसान के मतलब है ना परवरिश. बचपन में हमारे माँ बाप हमको ये सिखाते हैं कि इससे कंपेयर करो, उससे कंपेयर करो, ये होता है, राइट? तो वो चीज़ हमारे इतने अंदर आ चुकी है. हम कोई शो भी देखते हैं ना, तो हम देखते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, और हमें नहीं जानना कि वो क्यों बुरा है. बस वो इंसान जो है मतलब बुरा है, अब उसके बारे में गंद बोलना है, उसकी फैमिली के बारे में बोलना है, आई टू मेक श्योर ये वो इंसान अपना आईडी रिमूव कर दे. तो ये एक शुरुआती चीज़ें होती हैं. एंड आई थिंक कोई भी इंसान, अगर आपके मॉम डैड अगर आपको नहीं सिखा रहे हैं बचपन से ही ये चीज है कि आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, अपने अपने काम पे ध्यान दो, तो वो चीजें बिल्डअप होती रहती हैं. और एक पॉइंट के बाद में आप लोग, आपको जो दिखता है ना इंसान, अगर आपको लगता है ये मुझसे अच्छा है, मैं इसको ना वो बुली करूंगा. सेम हाल हुआ यहाँ पे. मैं एक शो में गया था, शो के अंदर कुछ लोग मुझे अपनी अपने से जोड़ पाए, कुछ नहीं जोड़ पाए. जो नहीं जोड़ पाए उनको ये था अब इसको मैं क्या बोलूँ, ऐसा कि ये यू नो परेशान हो जाए और अपना ये आईडी बंद कर दे, मैं क्या लिखूं ऐसा. तो शुरुआत मेरी शो से नहीं हुई है, मुझे शो के पहले भी था, दिक्कत थी लोगों को मुझसे, शो के बाद तो और ज्यादा हो गई. अब पहले वो मुझे अपने आप से कर रहे थे कंपेयर, अब जो उनके सो कॉल्ड भगवान बन चुके हैं ना, शो के कुछ लोग आते हैं बाकी लोग, उनके लाइक भगवान होते हैं उनके लिए, ये मेरा भगवान है और ये आदमी पागल है, तो वो उससे करते हैं मेरे कंपेयर. ये देख वो कहाँ पहुंचा हुआ है, ठीक है, और तू कहाँ पर है, तू लायक नहीं है, तू ना मर जा, तू शो में आ गया है क्यों. उनको नहीं जानना कि हम शो में क्यों गए, कैसे गए, क्या हमारी मेहनत थी, क्या हमने 8 साल से मैंने क्या करा, उनको कोई परवाह नहीं है. उनको बस ये परवाह है कि हाँ इसने मेरे भगवान के बारे में फालतू बोला है, अब मुझे इसको माँ बहन की देनी है, गालियाँ देनी है, इसकी मॉम के बारे में बोलूंगा मैं, इसके डैड के बारे में बोलूंगा मैं, जो मुझसे हो सका वो सब कुछ करूंगा, लेकिन मुझे इसको बस गालियाँ बकनी है. तो ये सोच है उनकी और ये सोच कभी चेंज नहीं हो सकती. ये सोच तो हर किसी के साथ, आई मीन कोई भी अगर जरा सा भी फेमस होने लग जाता है तो उसके लिए लोग कुछ ना कुछ बोलना शुरू करते हैं. इट हैपेंड विद मी आल्सो व्हेन आई केम ऑन एमटीवी इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल. उसके बाद में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बहुत प्यार दिया और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इतनी गंदी तरह की ऐसे बुलिंग की ना कि मेरा मन हट गया यार सोशल मीडिया पे आने का. एंड यू हैव डन अ मोर पॉपुलर शो ऑन एमटीवी, यू वर ऑन एमटीवी स्प्लिट्सविला. तो उसके बाद अगर इफ यू कैन गिव सम एग्जांपल्स कि किस तरीके के मैसेजेस आने शुरू हुए और क्यों लोगों ने ऐसा बुरा बोलना शुरू किया. अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरा शो को मतलब खत्म हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है. मतलब हमारा शूट हुआ था लास्ट ईयर, 1 महीने का हमारा होता शूट होता है, उसके बाद में शो भी आ गया, शो खत्म हो चुका है. एमटीवी ने हमारे शो के एक ही शो को 8-9 बार दिखा दिया है, ठीक है, मतलब शो कब का खत्म हो चुका है, सब कुछ एंड हो चुका है, जो होना था जो जितना था हो गया, लेकिन लोगों की हेटरेट कम नहीं होती, राइट? जब मैं शो में था तब हर हफ्ते कुछ नया आ रहा था, वो देख के मुझे आ रहे थे कि मैं तेरी माँ को ये करूंगा, मैं तेरी बहन को ये करूंगा, तो मुझे मिल. और वो क्यों? जस्ट बिकॉज एक शो के अंदर उनका जो भी ले भगवान है उनके मैं अगेंस्ट में खड़ा हूँ. पॉइंट इज उनको दिक्कत ये नहीं थी कि मैं उनके जो भी सो कॉल्ड भगवान है उनके खिलाफ खड़ा हूँ, उनको दिक्कत ये थी कि मैं सच बोल रहा हूँ. और आई थिंक जो बोलते हैं ना बुली करते हैं लोग, वो कहाँ शुरू होता है? जब आप सच बोलते हो. अगर आपने मेहनत करी तो आप लोग पक्का करेंगे बुली, क्योंकि लोगों से नहीं होती मेहनत. फैक्ट यही है यार, हम लोगों ने करी मेहनत करी है, हमारे शहर से हम लोग यहाँ पर आए उठे, हमने बहुत मेहनत करी है, लेकिन वो लोगों को नहीं जानना. उनको दिक्कत ये इंसान क्यों आगे बढ़ा, ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसका नाम क्यों हो रहा है. मैं एक बहुत ही एक सिंपल सी बात बोलता हूँ. मुझे कुछ टाइम पहले, आई थिंक 4-5 महीने पहले मुझे एक मतलब कॉल आया था. वो कॉल था मेरे मतलब कॉलेज के कोई सीनियर का. तो उसने मुझे कॉल करके मतलब वो एक होता है आपका बैचमेट जो मेरा था, उसने मुझे करा कॉल के भाई मैम तेरा शो देखा अच्छा लगा बहुत. फिर आया मुझे कॉल मेरे क्या सीनियर का, वो मुझे धमका रहा था कि तू कैसे, तू क्या चौड़ा हो रहा है क्या, जयपुर का है ना तू, तेरे को मैं देख लूंगा. और मैं कहा भाई हुआ क्या, लेकिन
हुआ क्या? नहीं तू जयपुर में मिल. मैं कहा हाँ जयपुर में मिलूंगा, लेकिन हुआ क्या, दिक्कत क्या है? अरे तू वही है ना मेरा, तू मेरा जूनियर था, तू ये था. मैं कहा हाँ भाई मैं था तेरा जूनियर, द पॉइंट इज देखो दिक्कत क्या है मुझसे अभी. उसे दिक्कत बस ये है कि सेम शहर का इंसान हो गया फेमस और मैं नहीं हुआ, दैट्स इट. और शो के अंदर जो आरती गालियां वो ये थी कि लाइक एक डीएम आया था अभी लेटली, मैं बताऊं कि भाई रोड पे इतने सारे वो आते कुत्ते घूमते हैं, कार के नीचे आते हैं, तेरा जो है पपी भोगा पाएगा नीचे कार के. ये उस इंसान ने मुझे डीएम करा था कि रोड के नीचे इतने सारे आए दिन कार के नीचे वो आते पपी आते हैं, तेरा कुत्ता कब आएगा कार के नीचे, तू क्यों नहीं मर जाता, लोग इतने मर रहे हैं, एक्टर मर रहे हैं इतने सारे, तू कब मरेगा, ये उनके थॉट्स हैं. No, the people commented, like I literally blasted someone and that person commented on his picture ki you should commit suicide. Exactly. Kyun? Kyunki maine oh my god show karaya aur us show ke andar maine sach bol diya isliye kyunki main see nepotism hota hai sabko pata hai theek hai aur jab bhi koi insaan uske against mein khada hota hai na usko gaaliyan hi padti hai, koi uski tareef nahi karega, bahut rare hota hai uske liye matlab koi tareef karega. जब जब आप सच बोलते हो लोग आपको गालियां ही बोलते हैं, एक तो ये हो गया. दूसरा अगर आप ऐसे एक शहर से आए हो जहाँ से लोग इतने ज्यादा फेमस नहीं होते, जयपुर से बहुत कम लोग फेमस हुए, आप फेमस हुए हो, ठीक है, बहुत कम लोग भाई. सो अब लोगों को दिक्कत क्या होती, जो हमारे बैचमेट्स थे, जो हमारे नेबर्स थे, उनको एक ना वो है एक मतलब जेलसी फैक्टर है कि ये आगे क्यों गया. हाँ उनको लगता है यार मेरे तो साथ पढ़ता था ये, ठीक है, यूं था वो था, ये बाप पहुंच गया, तो अब उनको वो दिक्कत है. उनको ये नहीं देखना कि हम मैंने सब कुछ हो गया था, मेरा सब कुछ जो होती है, मतलब मैंने बीकॉम करा, एमकॉम करा, एमबीए करा, जॉब करी, फिर मैं यहाँ पर आया, उनको उससे मतलब नहीं है. ये वहां क्यों गया, ये क्यों हुआ फेमस, मुझे इससे दिक्कत है, इसको मैं गालियां दूंगा. उन वो सहन नहीं कर पाते कि सेम शहर का इंसान बढ़ कैसे रहा है, क्यों बढ़ रहा है वो, उसको लोग क्यों जानते हैं. अगर अगर आज आप कहीं जाओगे तो आपको लोग जानते हैं, उनको दिक्कत है ये बात से, क्यों जानते हैं, क्यों. तो ये चीज हाँ ये जेलेसी और इतना वो होना के लिए ये क्यों बढ़ रहा है आगे, लोग नहीं देख पाते कि हाँ ये इंसान क्यों बढ़ रहा है, इसको नहीं बढ़ना है, इसको नीचे खींचो, इसको आगे नहीं बढ़ने देना. ये इनकी सोच जो है ना ये कभी चेंज नहीं होगी यार, ये कभी भी नहीं होगी इनका. तो ये तो हमने बात की पीयूष आपकी, एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद यू कि जयपुर बेसिकली आई एम सो सॉरी टू से इट, बट मैं खुद जयपुर से हूँ और मैं जानती हूँ कि यहाँ पे अगर आपके साथ का कोई इंसान आगे बढ़ जाता है तो एक तो तरफ लोग होते हैं जो खुश होते हैं, बट यहाँ पे इस सिटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम क्वांटिटी के ऐसे लोग है जो बहुत खुश हो आपको आगे बढ़ता हुआ देख के. मोस्टली सबको लगता है कि अरे ये कैसे बाहर निकल गया, ये क्यों चला गया, ये क्यों कर दिया. और जो हेट भी होती है वो हेट ये नहीं होती कि ये क्यों बढ़ गया, हेट वो क्या होती है, वो लोग नाम जोड़ देंगे इसने ऐसे काम कर रहे इसलिए इतना आगे पहुंचे हैं, ये उनका होता है पॉइंट. हमारे जो जो शहर के लोग हैं उनकी सोच ऐसी हो चुकी है कि इसने ऐसे गंदे काम करे होंगे इसलिए ये वहां पहुंच गया, हम ऐसे गंदे काम नहीं करेंगे इसलिए हम आ जाएंगे, ये उनका आखिरी होता है लाइन. But that's also because of lack of knowledge. उन लोग को पता ही नहीं है कि कैसे इंडस्ट्री काम करती है, क्योंकि जयपुर में ग्लैमर इंडस्ट्री है ही नहीं इनकी शुरुआत से. हम आप हो मैं हूँ और हमसे बहुत लोग हैं, उनकी शुरुआत से उनके मॉम डैड को यही सोच दी है कि यार अपने आप को कंपेयर मत करो, अपने अपने काम पे ध्यान दो, कोई अगर अच्छा कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है उसकी मेहनत है. ये लोग ये नहीं देख पाते, इनको नहीं करनी मेहनत, इनको बस है ना उंगलियां उठानी है. तो बात नॉलेज की नहीं है, बात होती है परवरिश की. इनको शुरुआत से यही सिखाया गया है कि कोई इंसान अगर आगे बढ़ रहा है ना तो तुम्हें ना जैसे कि लाइक मैं जो मैंने क्या देखा भी है, और ये आई थिंक होता भी है कि देख मॉम डैड भी आजकल के मतलब ये बोलते हैं कि शर्मा का बेटा देख क्या बन गया. यार आप ही क्या बोल रहे हो अपने बच्चे को कि शर्मा का बेटा क्या बन गया, आप अपने बेटे को उसको बोलो तो जो बनना वो बन, तो तू किसी और के बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर ही क्यों कर रहा है. तो आप उसमें थॉट ही डाल रहे हो बचपन से ही, आपने अपने बच्चों में थॉट डाल दिया है कि देख वो कहाँ पहुंच गया, देख वो इतना पढ़ता है, वो 90 ला रहा है, ला रहा है, तू क्यों हमेशा क्या 60 पे रहता है. तो आप लोगों ने थॉट डाला है. तो आई थिंक ये सिर्फ उनकी गलती नहीं होती, ये उनकी मॉम डैड की भी गलती है कि आप लोगों ने शुरुआत से अपने बच्चे को बोला कि हाँ तुम्हें कंपेयर करना है, तुम्हें एक दौड़ रहे हो रेस के अंदर, ठीक है, और तुम्हें इससे आगे बढ़ना है, और अगर तुम उसके आगे ना बढ़ पाओ तो उसको गंद बोलो, पत्थर फेंको उसके बारे में. ये है नॉलेज परवरिश. आई थिंक
सिर्फ वो लोग नहीं है जिम्मेदार, उनके माँ बाप भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं इस सब कुछ के। बिल्कुल सही कहा आपने पीयूष, परवरिश तो खैर बहुत मैटर करती है और आई मीन लेट अस नॉट पॉइंट फिंगर्स ऑन टू एनीबॉडी पर्टिकुलरली, बट ये प्रॉब्लम सोसाइटी में है क्योंकि मैंने भी बचपन में सुना है कि पड़ोसी का बच्चे को देखो, उसकी बेटी को देखो, वो अंकल की बेटी, हमारे रिश्तेदार के बच्चे, वो क्या कर रहे हैं, तुम कहो, दैट कंपैरिजन इज नॉट राइट एंड इसीलिए शायद आप साइबर बुलिंग फेस कर रहे हैं। लेट्स मूव टू खुशी। खुशी, व्हाट काइंड ऑफ साइबर बुलिंग यू आर फेसिंग, क्या हो रहा है आपके साथ एंड आप लोग को पुलिस तक जाना पड़ गया, इस लेवल पे साइबर बुलिंग हुई आपके साथ? या सो रिसेंटली somebody made a page on Indian DJ meme karke, there was a page and somebody posted, I'll read that thing for you. Somebody asked the question on that because they were making fool out of all the DJs over there. Wait, I'll... So they asked the question over there, ask Khushi why she's in the DJing industry when she don't even know how to mix a track. How she judged the war of DJs in Thakur College along with Aakriti Reja, who supports her, how does she get the shows when she doesn't know the D of DJing, why is she ruining the industry, tip I've heard that she offers after party and all. And so basically I don't even follow those kind of page and I didn't even know that there's a page called DJ Meme, matlab meko pata bhi nahi tha. तो मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा एंड दे टोल्ड मी कि लुक व्हाट इज हैपनिंग एंड लाइक यू नो फर्स्टली जब ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार इट्स ओके, इग्नोर, सो आई इग्नोर इट। नो आई फेल्ट लिटिल बैड बिकॉज़ यू नो द काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम, आफ्टर आई नेवर हर्ड दीस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब मेरे को जब व्हेन आई मेट पीयूष ना आस्क हिम, आई डोंट इवन नो हाउ टू अब्यूज, मुझे माँ बहन की गाली देना भी नहीं आता, नाउ ही डस, नाउ आई नो, 4 months back I didn't even know how to give gali, maa bhen ki galiya. So mere liye it was very disgusting. And then I approached some of the senior DJs and I said like, look, this is what is happening. So they also told me ignore. So for some time I ignored, okay. And then there's an agency called Loofer. They promote me all over India. So the owner of Loofer helped me to get that page down. There were 50 people, they came together, they made them delete, they caught them, that who are these people from the industry, and we got their names, we got to know who are those people. So basically those were the people jinhe koi industry mein jante hi nahi hai, basically. Jo khud bhi hain DJ, lekin wo yeah, but nobody knows them. Har gali mein DJ types, jo hota hai. Khud bhi DJ hai wo insaan, kisi matlab nukkad ke, I think. उन्हीं लोगों को बोलने की हिम्मत होती है जिनमें खुद का कुछ आइडेंटिटी नहीं होता, इट्स वेरी इजी फॉर पीपल स्पेशली सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट बना लो, किसी और की पिक्चर डाल दो और फिर जो मन में आए वो लिखते जाओ, सामने वाले को परेशान करते जाओ। नाउ दीज आर द काइंड ऑफ मैसेजेस जो सिर्फ आप दोनों ने नहीं बल्कि और भी लोगों ने सहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके साथ ये हुआ है फर्स्ट हैंड, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि जब पहली बार आपने ऐसे मैसेज पढ़े आपके बारे में, जब आपको बोला गया कि यू नो यू शुड डाई और योर फैमिली शुड डाई या तुम्हारे लिए मजाक बनाया गया खुशी, तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन यू पर्सनली, आपके आपको क्या थॉट्स आ रहे थे उस टाइम पे? आई वॉज डिस्गस्टेड, ट्रस्ट मी, आई वॉज लाइक माइंड फक्ड एंड आई वॉज 3 years I wasted in the industry. And you know the worst part I felt was that page was followed by many well-known DJs. People were making fun of a lot of people over there and nobody was taking a stand. So basically na yahan pe stand lene wala koi hai, aapko jo karna hai aap khud ko karna hai, people just say oh we are supporting you, we are doing that, nobody do anything, you have to do everything on by yourself. This is what I've understood. तुम्हें डर आया कि फैमिली को पता चलेगा तो क्या होगा या दोस्तों को पता चलेगा? अगर वो मैसेज कोई मेरा फैमिली मेंबर पढ़ लेता तो मेरा बॉम्बे से पैकअप हो जाता। Firstly, I come from a very influential family. I come from a political background, a girl who already went against the family and doing DJing, leaving everything behind. People don't understand this thing. People, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि
किसी का बैकग्राउंड क्या है, कोई कितनी मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, कि किस चीज को फेस करके बस अच्छा ही इज डूइंग वेल, हाउ 3 years में ये स्वाद कैसे गई जहाँ पे ये है, क्योंकि लोग 12-15 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो वहाँ नहीं पहुंचे जहाँ मैं आज भी हूँ, बट मैंने वो मेहनत करी है. आई एम वेरी गुड एट पीआर, आई हैव मेड रिलेशंस, आई हैव वर्क हार्ड ऑन माई स्किल्स, और मुझे मतलब उस चीज के लिए बोला जा रहा है जिसमें आई एम लाइक आई एम वेरी स्किल्ड. Right. So I felt bad, but then later on I like when I saw that who those people जिनको मतलब कोई जानता ही नहीं आकृति, I was like the sad and like frustrated people, इनकी कोई life ही नहीं है basically. जी. I think Piyush, now let's move to you कि तुम्हारे साथ जब ऐसा हुआ, like तुम्हें लोग बोल रहे तुम टीवी पे आ गए, so did this kind of messages, hate messages तुम्हारे family तक भी पहुँचे, और अगर पहुँचे तो उनका क्या reaction रहा? सो लास्ट ईयर जब मेरा शो शुरू हुआ था उसके वजह आई थिंक 2 महीने बाद ही मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे कि वो आते हैं कि तुम मिल तो मार दूँ, मैं कर दूँगा, ये ठीक है, ये जो ये बहुत मतलब था नॉर्मल था. देन जो मेरे डैड का आईडी है इंस्टा का, तो मैंने उनका एक नया आईडी बनाया था कि डैड ये आपका आईडी है, यू नो आप मुझे देखना इस समय से क्या लाइव जाया करूँगा, पोस्ट करूंगा. तो अब उनको इतनी नहीं आदत नहीं है ना कि लाइक डीएम क्या होता है, डीएम चक्कर उनको इतना मैंने अब तक नहीं सिखाया था. तो ऐसे मैंने मेरी मॉम का आईडी बनाया था. तो ये जो लोग थे इनको ये पता है कि पीयूष को हम इतना कुछ गंद बोल रहे हैं, हर रोज बोलते हैं, लेकिन ये हमें रिप्लाई नहीं कर रहा है. फिर बीच में एक मैंने एक पीयर हायर कर रहा था, तो वो मेरा आईडी लाइक संभाल रहा था, तो उनको ये भी था पता है अब तो पीयूष के देखने नहीं वाला डीएम, हम क्या करें, ऐसा कि उस पर उसके उसको ना डिप्रेशन आए. तो मेरे मॉम डैड का आईडी ढूंढ के उन लोगों ने वहां पर डीएम करे. जब किसी में सहन नहीं कर पाया तो मैंने फाइनली एक मतलब 3 लोग अगेंस्ट में मैंने वो करी है, एफआईआर करी थी मैं लास्ट ईयर, और आज भी उसका प्रूफ है. मैंने एफआईआर लॉन्च करी है, 3 में से 2 लोग पकड़े गए विद इन अ मंथ. उनके डैड से मेरी बात हुई, एक तो था बिहार से था कोई इंसान, और वो आई थिंक 16 साल का बच्चा था. ठीक है, जब उससे मैंने बात करी कि तूने क्यों करा, उसके डैड ने मुझसे बात करी कि इससे हो गई गलती हो गई जो कि, तो उसने ये बात बोली कि सर हमको तो कहा गया था, एक है ना ग्रुप बना हुआ है वहां हमको कहा गया था कि आपको ऐसे बोलना है. सो टेक्निकली जो आपको लोग हैं बुली करते हैं, आधे लोग तो वो है जो जिनको आपसे दिक्कत है, आधे लोग वो है जिनको कहा जाता है कि इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे बोलो. तो वो इंसान ने खुद ने कहा कि एक पेज बना हुआ है सर हमको, तो वहां पर ये आता है, हमको इसका वो मिलता है, पैसा मिलता है बेसिकली, कि ये आईडी पे आपको इतने कमेंट करने हैं, इतने डीएम करने हैं. तो ये एक नया वो देखा मैंने माफिया के, लाइक कोई इंसान अगर लाइक फेमस हो रहा है तो उसके एक होता है पीआर उसके अच्छे काम के लिए, एक होता है पीआर कि उसको आपको बदनाम करना है. तो टेक्निकली उसको पे किया जा रहा था कि तू ना डीएम कर इसको, मावा की गालियां लिख. शुरुआत में बहुत 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 गंदा था यार, क्योंकि मैंने सिर्फ वो करा आज तक फिल्टर करा था, ऐड करे थे, तो मुझे लगा था ठीक है. मैंने जब भी मेरे 2 ऐड आए थे तो मुझे कुछ ना, तो लोगों ने मुझे पूछा जवाब ने ये करा ना, मुझे कहा कि भाई तू ऐसा है. जब भी मैंने क्या प्ले भी करे हैं तो प्ले में मैंने हमेशा तालियां सुनी है कि अच्छी एक्टिंग कर रहे हो ये. मैंने कभी भी इतना फीडबैक भी अगर आते हैं कि आपने अच्छा नहीं करा तो ये आता है, माँ बहन की गालियां नहीं आती कि वो सुन, ये नहीं आता ना. तो मैंने एक शो करा, एक महीने में अपना टाइम दिया, शो से आया, और मुझे था कि शायद लोग मुझे गालियां तो नहीं बोलेंगे आई एम श्योर, लेकिन यहाँ तो गालियों का तो नेक्स्ट लेवल था. गालियां तो छोड़ो, गालियां तो होती क्या है, आपको मारना चाहते हैं, आपकी फैमिली को अगेंस्ट में कुछ करना चाहते हैं. दूर मुझे ये टेक्स्ट आया था कि तेरे पास में व्हाइट होंडा सिटी है ना, ये टेक्स्ट आया, और ये मैंने अपनी कार के पीछे कहीं लगाई थी, तेरे डैड शाम को निकलते हैं ना 6 बजे, मुझे ये डीएम लगा चुके हैं, उनको ये पता है कि मेरे डैड कब बाहर निकलते हैं. लेकिन ये तक पता है कि मेरे डैड के पास में कौन सी कार है और वो कब निकलते हैं. तो बात को आप समझिए, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनका मेंटल लेवल सही नहीं है. एक होता है आप किसी को हेट करते हो, ये हेट नहीं करते आपको, इनको इतना ज्यादा भर दिया जाता है ना कि देख उसने तेरे भगवान के बारे में इतना फालतू बोल दिया. एक तो पता क्या है हमारे देश में, मेरा भगवान है, बाकी सारे भगवान पागल है, ये फैक्ट है. ठीक है, सेम ये होता है शो के अंदर, जो
ये मेरा जो है आइडल है यही अच्छा है, बाकी सारे पागल है। जो इसके जाएगा अगर शो के अंदर, अब उनको नहीं जानना कि जो शो में होता है वो क्यों होता है, बस उनको देखिए कि ये लोग फाइट कर रहे हैं और इसने मेरे जो मेरे भगवान के बारे में कुछ फालतू बोल दिया, अब मैं इसकी माँ बहने करूंगा, ये इनका थॉट है और ये कभी से बाहर नहीं आएंगे। फिर बात ने बहुत अजीब था यार, बहुत अजीब था, ये लोग इतना इस लेवल पर आ चुके हैं कि लोग ये मुझे मेरा, मैं कहाँ रहता हूँ जयपुर में, डैड कहाँ घूमते हैं, इन लोगों ने ये तक कर लिया, पता कर लिया और मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने कुछ और वीडियो डाले शो के रिगार्डिंग जहाँ पर मैं जो मेरे वो है लाइक जो मेरे अगेंस्ट लोग थे उनके अगेंस्ट से मैंने कोई अगर वीडियो तक मैंने डाले तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये धमकियाँ मुझे आ चुकी थी। अब मुझे ये जो सब आपके साथ हो रहा है, आपके और खुशी के साथ, can you pinpoint on that one person की कौन ये कर रहा है? Do you have any enemy like that? See, या फिर ये faceless enemy है? Faceless है सारे, कोई भी अपना real ID लेके नहीं आता, बहुत कम लोग होते हैं, और जो लोग अपना असली आईडी आते हैं लेकर जब उनसे बात करते हैं ना तो आखिरी बोलते सर मुझसे ना गलती हो गई, मैं आपका फैन हूँ तो मुझे आपका वो नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, इसलिए मैंने आपको ये बोली गालियां बोली। और बाकी लोग और I'm sure कि ये जो भी लोग होते हैं ना जिनका आईडी असली नहीं है, ये मेरे शो के बंदे ही होते हैं, शो के कुछ बॉयज एंड गर्ल्स जिनको ये दिक्कत है यार ये इंसान आगे क्यों बढ़ रहा है। जब मैं शो से बाहर आया था मुझे बहुत ऑफर्स आए थे, बहुत ऑफर्स, और ये बात सबको थी पता कि मुझे और नेक्स्ट क्या काम मिला है ये भी बहुत लोग जानते भी हैं, तो उनको दिक्कत थी इसी क्यों मिला काम, मेरे शो के ही लोग हैं 3-4 तो, और मैं जानता हूँ फॉर श्योर, मैं जानता हूँ कि वो कौन से लोग हैं। ठीक है, मैं बहुत बड़ा हिंट एक दे चुका हूँ कि मेरे शो के अंदर ए लोग जो भी ए नाम से लोग थे ना उनसे मेरी दोस्ती भी हुई थी और दुश्मनी भी हुई थी, लेकिन अभी जो ए नाम के लोग जो मेरे दोस्त थे ना ये वो करवा रहे हैं, जो मेरे दुश्मन थे वो लोग नहीं करवा रहे, ये जो मेरे पहले दोस्त थे अब एक, एक, एक बिकॉज आई डोंट नो ए नाम से कौन था, तो जितने लोग यहाँ देख रहे हैं अगर आपको पता है ये कौन है तो उसका नाम प्लीज जल्दी से कमेंट में लिख दो, let everybody know who's that person जो कर रहा है। So I don't know the name, Piyush doesn't want to name it, but the followers can definitely name that person। नाम वाले में अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट जब हम लोगों ने एक नेक्स्ट स्टेप ले लिया है, हम लोगों ने हेल्प मांगी पुलिस की, अगर वो लोग मुझे देते हैं कि हाँ ये शहर से आईडी ऑपरेट हो रहा है, ये इंसान कर रहा है और वही लोग हैं, तब मैं उनको नाम आराम से बोलूंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब तक मैं श्योर नहीं हूँ तब तक मैं नहीं बोलूंगा नाम उनका, बिकॉज मैं अगर क्या पता वो लोग हुई ना, मुझे बस एक डाउट है कि ये लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो कि मेरी अपने ही जानते थे कोई और नहीं जानता, वो बातों को आप अगर बोल रहे हो, एग्जांपल अगर मैं इसके वीकनेस जानता हूँ क्या है और मैं एक फेक आईडी बना के उसके बारे में लिखूंगा तो आई नो इसको पता है कोई मेरा अपना ही है, कोई सी आपसे हेटरेट दो लोग करते हैं, एक जो आपसे नफरत करते हैं और एक आपसे जो कभी प्यार करते थे, तीसरा कोई नहीं होता है, और जिस लेवल की हमको मिल रही हेटेड ये वो लोग हैं जो कि हमारे हैं तो अपने ही लेकिन वो देख नहीं पाते कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो नहीं देख पाते शो के अंदर। On the screen I'm getting 4 names repeatedly, so okay. I don't know if I should take these names or no, but 4 naam hai to A se aa rahe hain, le lo Piyush with your permission. Ashish, Arshia, Amana, Alfez and some more people. Ashish se jo mujhe matlab uske jo fans hai jo mujhe aayi thi hatred wo show ke andar hi aayi thi, show ke end hone ke baad mein asset mujhe nahi aayi, wo aajkal aati hai, वो उसके फैंस से आते हैं कि आशीष कभी भी अपने फैंस को ये नहीं बोलेगा जाके पीयूष को गालियां बको, ये वो नहीं बोलेगा, ये मैं इतना जानता हूँ, तो मुझे दिक्कत है होगी वो शो में अब नहीं है, तो आशीष कभी अपने फैंस को नहीं बोलेगा कि जाके पीयूष को दे गालियां, वो उसके कुछ ऐसे फैंस हैं जो कि साइको हैं, वो पागल है वो तो कि हाँ इसने मेरे वो उसके पीछे ही तो वो बोलेगा है कुछ, जैसे कि आज अगर मैं इसका फैन हूँ ठीक है और मुझे ये दिख रहा है कोई एक है लड़की उसने कुछ फालतू बोला है इसको, चाहे इसने मुझे कहा भी नहीं है मैं जाके उसको कुछ बोल दूंगा क्यों मैं इसका फैन हूँ, वो अलग बात हो गई, लेकिन ये मुझे जब तक नहीं बोलेगी ना तब तक मैं नहीं करूंगा राइट। तो आशीष के कुछ फैन ऐसे हैं जो कि बिना बोले ही मुझे लिखते हैं गालियां वो ठीक है, लेकिन आशीष खुद नहीं बोलता, लेकिन जो बाकी जो नाम आए हैं ना और कुछ एक नाम नहीं आए और वो लोग तो बकायदा बोलते हैं नहीं नहीं आए दो नाम ही आए अच्छी बात है, वो लोग तो ऐसे हैं कि लाइक कि कहो ना बोलो ना दिक्कत क्या है ये लिखो वो लिखो ये होता है।
वार्तालाप पे हो गया है बहुत बड़ा खुलासा. पीयूष के अगेंस्ट जो लोग हैं उनका नाम यहाँ पे ले दिया गया है. सो गाइस प्लीज डोंट डू इट. यार रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं भी आपसे कि किसी को ऐसे परेशान मत करो. पीपल हैव इफेक्ट्स ऑन देम. सो अब ठीक है, नाउ वी नो कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, बट ठीक है, लेट्स फॉरगेट अबाउट देम. लेट्स टॉक अबाउट अवरसेल्फ कि हमारे ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है. मेंटली एक ऐसा डर सा नहीं आ जाता अपने अंदर? जैसे मेरे साथ हुआ था तो मैं तो इतना डर गई थी, मेरा मन ही उठ गया था सोशल मीडिया से. मुझे कुछ पोस्ट करने का मन नहीं करता था, मुझे जाके मैसेज पढ़ने का मन नहीं करता था. देयर वाज अ पॉइंट वेयर इन आई फेल्ट कि द एंटायर वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी और मेरे को सब सोशल मीडिया डिलीट करने का थॉट आ रहा था, बट आई डिड नॉट डू इट बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्ग. डिड यू इवन फेस समथिंग लाइक दैट? कुछ काम भी नहीं है सच, राइट? तो जब आपके काम चल रहे थे, जब ये सब कुछ नहीं हुआ था, हम सब हेल्दी थे, कोई लॉकडाउन नहीं था, तब जब ये डीएम आ रहे थे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज मैं रोज के 8-9 घंटे अपने काम में ध्यान दे रहा था, तो मैं अपना फोन को चेक ही नहीं करता. अभी लॉकडाउन के कारण आपके फोन अक्सर आपके हाथ में रहते हैं, कभी आप देख रहे हो इंस्टा पे, देख रहे हो क्या, कभी क्या कभी क्या. तो जब आप बार बार ये चीजें देखते हो ना तो बहुत दिमाग खराब होता है यार. अगर आज मैं कुछ काम कर रहा होता तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आज घर बैठा हूँ फिलहाल में, ठीक है, तो फोन हाथ में आता ही है, देखते हैं. और जब कोई ऐसी फालतू क्या चीजें आती है ना, तो मन करता है कि या तो वो सामने हो बंदा, एक तो फोन में है ना, या तो सामने बैठा हो तब मुझे बोले ना वो ये सारी बात है, तो मैं एक जवाब भी दूंगा. मुझसे ये नहीं होता यार कि मैं, अगर उसने मुझे लिखी है गालियां तो मैं उसको लिख दूंगा, लेकिन तू ऐसा है नहीं, तो वो मुझसे नहीं होता. मेरा काम सिंपल सा है, मेरा मुंह बोलता है उसका, मेरा हाथ बोलता है, और मैं बहुत क्लियर उसको लेके, ठीक है, मैं हूँ जयपुर से, मेरा बहुत गर्म खून है, कोई डाउट नहीं है. शो के अंदर भी ये बात सबने देखी है कि मेरा या तो मुंह बोलेगा, और जब मेरा मुंह नहीं बोलेगा तो मेरा हाथ बोलेगा. फैक्ट है यार, मैं एक पॉइंट तक रहता हूँ, फिर मुझसे नहीं होता. तो उस चीज को सप्रेस करने के लिए मैंने अपना अकाउंट ही बंद कर दिया था, यार ये लोग तो नहीं होंगे फिलहाल, ये तो चुप नहीं होने वाले, ये तो करते रहेंगे. तो जब तक मैं किसी और चीज पे अपना ध्यान नहीं देता हूँ कि हाँ मुझे कोई ऐसी कोई चीज मिल जाए जहाँ पर मैं 8-9 घंटे में दे रहा हूँ, तब तक मैं अकाउंट अपना बंद कर देता हूँ. जब मुझे कोई ऐसे काम मिल जाएगा मैं आ जाऊंगा वापस से. लेकिन हमारी जो खुशी जी है, उन्होंने एक दिन में जो मेरा दिमाग था क्यों करना है तुम्हें, नहीं करना है, हम उसको जवाब देंगे या नहीं करेंगे. और अब ये होता है कि जो भी इंसान कुछ भी कुछ फालतू बोलता भी है ना, मुझसे पहले ये उसको जवाब वहां दे रही होती है कि तू बता कहां मिलना है, तू कुछ जगह बोल कहां मिलना है, ये कर रही होती है फिलहाल ऐसा. तो आई थिंक अकाउंट बंद करना जो मेरा एक थॉट था, वो थॉट ही गलत था, क्योंकि इग्नोर करना कोई ऑप्शन नहीं होता. और इन लोगों को इग्नोर कितना भी कर लो, ये लोग कभी भी शांत नहीं बैठेंगे, ये जिंदगी भर आपको हेट ही करेंगे. इससे बेटर ये है कि जो इनकी लैंग्वेज है, अगर आपको उसमें जवाब नहीं देना है तो कंप्लेन करो, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे कोई एक मतलब बड़ा आदमी हो, जस्ट कंप्लेन करो और जो होगा देखा जाएगा फिर. बिकॉज कोई सेंस नहीं होता यार कि आप उनका आईडी ब्लॉक करो. मैंने बहुत सारे आईडी को ब्लॉक करना बंद कर दिया कि मैं ब्लॉक नहीं करूंगा, तो मुझे जो बचना भेज, मैं तेरा आईडी लूंगा और वो आगे भेजूंगा, यही हो रहा है. तो अभी एक चीज इसमें आपने बहुत इंटरेस्टिंग बोली कि आप कंप्लेन कर रहे हैं. नाउ देयर आर मेनी पीपल सोशल मीडिया पे जिनके साथ ऐसा साइबर बुलिंग हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है, जिनको किसी ना किसी तरीके से लोग पोक कर रहे हैं, उनको डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं मोस्टली हम लोग इग्नोर कर देते हैं. What to do? At least last में मैं क्या करूंगी, थक के अपना अकाउंट डिलीट कर दूंगी, सबसे दूर हो जाऊंगी, this is what I'll do. But कैसे पुलिस के पास जाए, कैसे रिपोर्ट कराए साइबर ब्रांच में, कैसे इन लोगों को पकड़वाए जैसे तुम लोगों ने किया है. So if you can shed some light on it. So there is a page, you know Miss Malini, right? Yeah. She opened a campaign. There's a page called Ignore No More. You take a screenshot, you send those screenshot on that page. And they'll help you out from there. I'm a part of the campaign. Oh. And I know Malini personally also. I've been speaking to her about all of this. And they'll help you out. So my account and Piyush's account, both the accounts are on track right now. Because police is helping us now.
सो इन ट्रैक मतलब पुलिस आपका अकाउंट ट्रैक कर रही है कि कौन मैसेज कर रहा है. जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी हैं मेरे वेस्ट में, तो यहाँ से जो सबसे जो नियर बाय है स्काई तो जो है वो है सांता क्रूज में है, सदर क्राइम का जो मेन ऑफिस है. क्योंकि अगर आप नॉर्मल जो होते हैं वहाँ पर जाओगे तो वो लोग आपको इतना हेल्प नहीं कर पाएंगे. ठीक है, साइबर क्राइम का वो लोग इग्नोर कर देते हैं, ऐसे ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन चले जाओ. आपके फोन नहीं मिलते यार, आपके लाखों के फोन गुम होते हैं, जब वो नहीं मिलते तो आपने एक आईडी भी दिया कि ये मुझे से लिख रहा है उनको, वो उनका काम क्या है, वो एक लिख देंगे एफआईआर, दैट्स इट. अंटिल एंड अगर आप बहुत बड़ी हस्ती हो और आपने उन पे कहीं से फोन करवा दिए तो ठीक है, लेकिन एक आम आदमी वहां जाएगा तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, और ये फैक्ट है. तो इससे बस ये कि साइबर क्राइम के भी होते हैं ऑफिस होते हैं, वहां पर जाओ, वहां दिखाओ कि ये चीजें हो रही है. और जो भी आईडी अगर आपको गालियां मकना या फिर आपके तो कोई भी आपको बुली कर रहा है आप उसके प्रोफाइल पे जाके सबसे पहले उसका लिंक कॉपी करो, उसके प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको जो मैसेज किया उसके स्क्रीनशॉट लो और उन सबको आप साइबर ब्रांच में दिखाओ. नाउ बॉम्बे में साइबर ब्रांच का ऑफिस है सांता क्रूज में, क्या इसकी कोई ऑनलाइन वेबसाइट भी है जहाँ पे कोई ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकता है? जैसे देखो अभी यहाँ पे ठाकुर ठक्कर इट्स अ फेक आईडी, आई कैन इजीली से माँ बहन की गालियां दे रहे हैं यहाँ पे, इनको कोई काम ही नहीं है लाइफ में, फर्क नहीं पड़ता, इन्हें फर्क नहीं पड़ता. बीच में एक थे इंसान जिन्होंने जब मुझे लिखी गालियां तो मैंने कहा भाई मैं ये तेरा आईडी वो करूंगा. एक और कृष्णा भंडारी, आप लोगों को फेमस होना ना, मैं करती हूँ आप लोगों को फेमस. आधे से लोग होते हैं सी, और ये पता ये लोग है कौन से, ये लोग वो लोग हैं जिनको आज के टाइम पे रेप करने के, रेप भी कर रहा है ना, इनके रेप भी एक ना फन होता है. हम बोल रहे हैं ट्रोल कर रहे हैं तो क्या होगा, नहीं, इनकी सोच है ये. अगर वो इंसान ये लिख रहा है कि मैं तेरी माँ को ये कर दूंगा, मैं तेरी बहन को ये कर दूंगा, तो उसकी सोच ऐसी है. टेक्निकली वो इंसान रेप भी उसको करना हो तो वो उसको एक बार के थॉट भी नहीं आएगा, नहीं यार कि ये सही है कि मैं गलत है. इनके जहन में कोई फिल्टर नहीं होता कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि मतलब गलत है. इनको पता है बस मुझे फन मिल रहा है, मुझे किक मिलती है. बेसिकली ये वही लोग हैं जो आगे बढ़ के रेप भी करते हैं, ये वही लोग हैं. जितने भी आपको मारने की दिखते हैं गालियां, ये सारे के सारे टेक्निकली वही ऐसे लोग हैं जिनको रेप करने में कोई दिक्कत नहीं होती, और इनके घर में इनकी मॉम डैड भी, इनकी मॉम इनकी बहनें सेफ नहीं है, ये उनको भी उसी आंखों से देखते हैं. इनका अगर थॉट किसी दूसरे की बहन के लिए ऐसा है तो आई एम श्योर इनकी खुद की बहनों के लिए भी इनको एक बार थोड़ा सा आता होगा. और ये लोग बीमार है, इनको एक्चुअल में नीड है इलाज की जिनको नहीं मिल रहा. इट इज सच अ डिस्गस्टिंग थिंग. अभी रिसेंटली जो वो स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ हुआ अग्रिमा के साथ, मैं उसका लड़के का वीडियो देखी, मेरी आंखों से पानी आ गए. आई मीन जस्ट इमेजिन वो लड़की के ऊपर क्या बीती होगी. एंड दैट टू व्हेन उसने गलत बोला ही नहीं, उसने शिवाजी महाराज के लिए एक सेंटेंस गलत नहीं बोला, उसने जो भी बोला वो लोगों के पर्सपेक्टिव से बोला. और उसके ऊपर ये शुभम मिश्रा नाम के लड़के ने इतनी गंदी गंदी गालियां उसको दी है ओपनली. एंड द सरप्राइजिंग फैक्ट इज कि उसको लोग पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और उसके बाद अग्रिमा को बोल रहे हैं कि तुम चुप बैठो. हमारे देश में जो एक चीज है ना कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, आपको मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, इसका बोलो नहीं वो तो है ही. उसके अलावा क्या कुछ भी बोल सकते हो, आपको मतलब फ्रीडम है. इस बात को लोगों ने समझा नहीं, उनका मतलब ये था अगर आपको लग रहा है कि मतलब गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है तो आप उनको बताओ कि क्या सही नहीं हुआ है, ये बोलो. उनका मतलब ये नहीं था कि आप कोई भी इंसान को उसके बारे में गंद बोल सकते हो, ये नहीं है. तो जो राइट्स हमारी गवर्नमेंट ने दी है ना उसको ये लोग इतना ज्यादा मिसयूज करते हैं. इनको लगता है कि हाँ मैं जाके माँ बहन की मतलब क्या बोलते हैं गालियां बोल दूंगा और कुछ मेरे ही जैसे छपरी टाइप लोग मुझे लाइक करेंगे, मुझे मतलब मेरा वीडियो यहाँ से वहाँ शेयर करेंगे. एक पता है सबसे अजीब सी बात क्या है, हम जैसे लोग जो भी होते हैं ना, जब हमको ये आता है वीडियो आता है व्हाट्सएप पे ऐसा, तो हम लोग क्या करते हैं उसको आगे भेजते हैं इसी मतलब क्या करा है. ये बहुत गलत बात है, हम उसको शेयर क्यों कर रहे हैं. अगर ऐसे हुआ है तो आप उसको आगे मत भेजो किसी को कि देख इसने ऐसे बोला,
आप टेक्निकली उसको आप फेमस ही कर रहे हो ना, पर वो वही तो चाहता है, वो तभी तो ये सब कुछ बोल रहा है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे वो रेप कर दे। ये जो लोग बोलते हैं कि मैं रेप कर दूंगा, उनकी छूने की औकात भी नहीं होती है, रेप तो बहुत दूर की बात है। आई एम श्योर ये जो लोग बोलते हैं कि मैं रेप कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, भाई इनकी छूने की औकात नहीं होती है। ये बहुत बड़ी बात है ये बोल देना, आपने एक वीडियो बना दिया है कि उसने ऐसे बोला है और उसने बोला है मैं ये कर दूंगा। तू है कौन? तू मतलब तू है कौन? तू इस देश का पीएम है, तू है कौन? तूने इतनी फालतू सी बात बोल दी, तू है कौन? उसके लाखों भाई होंगे, तू उसको छुएगा वो तेरे को फिर कहाँ कहाँ छुएंगे, तू सोच। अब इनके जैसे कुछ जो छपरी होते हैं ना, जो कि उनको पता है कि हाँ भाई मैं भी अपना एक ना कि वीडियो बनाऊंगा और क्या मैं गालियां बकलूंगा और मैं हो जाऊंगा फेमस, ये हो चुका है। अगर आप आज बहुत लोग होते हैं जो कि अपने वीडियो बनाते हैं, बहुत बार कुछ एक अच्छे चीज पे बात करते हैं और वहां उनकी आती गालियां बाहर आती हैं, तो नहीं समझ में आता है। अगर आप लोगों ने कोई देश में कुछ हुआ है जो कि सही नहीं हुआ, तो अक्सर आप लोगों की मुंह से गाली बाहर आती है, वो समझ में आता है। लेकिन तुम ये जो बोल रहे हो कि मैं तेरे को ये करूंगा, मैं तेरे ये कर दूंगा, ये तू फ्लो विद द फ्लो नहीं बोल रहा है, ये तू करना चाहता है, ये तेरा थॉट है, तो तू ऐसा ही है। और तुम जैसे जो बाकी जो उसकी जो छपरी लोग हैं ना, उनको लगता है हाँ भाई ये बहुत सही कर रहा है, हम तो साथ देंगे, हम भी ऐसा ही करेंगे। तो वो जो बोल रहा है वो करना चाहता है एक्चुअल में। तो अगर अगर उसको है पकड़ा फिलहाल लोगों ने, पुलिस ने, तो उस पर जो भी चार्ज लग रहे हैं, अब मुझे पता क्या उस पर चार्ज लगने वाले हैं, लेकिन टेक्निकली उस पर चार्ज रेप का ही लगना चाहिए। अगर वो बोल रहा है तो करना चाहता है ना। अगर वो इंसान बोल रहा है ये कर दूंगा और वो जो जिस वे में वो क्या बोल रहा है कि ऐसे बाहर निकलेगा, वो रेप भी करना चाह रहा है, वो उसको मारना भी चाह रहा है, टेक्निकली वो उस लड़की को मारना चाहता है, उसको राइट दिया गया किसी बंदे ने, कुछ भी बोला हो यार, कुछ भी बोला हो उसने, चलो तू बोल रहा है उसने कुछ फालतू बोला, अगर बोला तो गवर्नमेंट बैठी है ना, तू कौन? तू कौन? तू हाँ। मार को तू बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं रेप कर दूंगा, मैं मार दूंगा, Who are you? Sky. तो ये सोचना, और ये जो उसके लिए सपोर्ट भी करते हैं ना, वो भी फिर ऐसे होते हैं, I'm sure. उनकी फिर सोच वही है, वो लोग यही सोच लेके आगे जाएंगे और फिर उनको ये लगता है कि हमारा देश नहीं हो रहा डेवलप। अरे आपकी सोच ही ऐसी है, कहाँ से देश को आगे लेके जाओगे? अगर आपकी सोच यही है कि अगर किसी कोई भी इंसान ने, एक लड़का ने या फिर एक मतलब लड़के ने कुछ बोल दिया, अगर आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगी, तो आप उसके बारे में लिखोगे मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन ये क्या थॉट हुआ कि आपने एक वीडियो बना दिया, आप ये बोल रहे हो कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम कौन? तुम हो कौन? सही बात है, डिसलाइक कर दो, शेयर मत करो, रिपोर्ट कर दो वीडियो, लेकिन आप अपना वीडियो बना रहे हो ऐसी गंदी गंदी बातें बोलते हुए, एंड दैट टू ओपनली, ऐसा भी नहीं कि शक्ल नहीं दिखाई, अपनी शक्ल दिखा के बोल रहे, इतनी हिम्मत कैसे आ गई यार? मैं वो कर दूंगा, मैं यार ये इसको पता है, कुछ लोग अभी आई एम श्योर होंगे यहाँ पर जो कि इसको शायद क्या सही मानेंगे और ये मानेंगे कि उसमें दम था, ऐसे उसने बोला। और मुझे भी एक को मैंने एक फ्रेंड से मेरी उठती बात, उसने मुझे ये बात बोली, भाई उसमें दम है इसलिए वो आगे आया, उसमें दम नहीं है, कोई दम नहीं है उसमें, ठीक है? अगर दम होता तो वो जो उसने बोला है वो लॉफुली करता कि यार ये लाइन बोली है मुझे अच्छी लगी, वो दम होता है। सोशल मीडिया पे आके आप जो बोल रहे हो, गंद बोल रहे हो, वो दम नहीं होता, वो आप बहुत फेक हो, आप डरपोक हो, इसलिए आपने कार के अंदर बैठ के इतना एक एक लड़के के बारे में फालतू बोल रहे हो, आप सामने नहीं आ सकते हो, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप रोड पे जाकर खुल्ला खुल्ला 100 जनों की भीड़ को लेकर ये बात बोल पाओगे। आपको पता है उन 100 में से 20 लोग आपको चप्पल से मारेंगे, ये फैक्ट है। इसलिए आप फोन पर बोल रहे हो कि अगर क्या मेरा कुछ दिक्कत भी हुई तो मैं जाके माफी मांग लूंगा जी, और ये बोल भी इसलिए नहीं है क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखते हैं, उन्हें लगता है कि अरे मैं बोल दूंगा, मेरा सोशल मीडिया है, हाउ डज इट मैटर किसी को कुछ बोलने की, कोई उसका एडवर्स इफेक्ट होगा नहीं मेरे साथ। लेकिन आई थिंक इट इज हाई टाइम कि अब आपने हमें बताया भी है हाउ वी कैन अप्रोच द पुलिस फॉर साइबर क्राइम्स, और अब इट्स टाइम टू इग्नोर नो मोर। एग्जैक्टली, वेरी वेल, इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, ट्रस्ट मी। अब नहीं है, you know, instead of you getting depressed, अपना दिमाग खराब करो, आप depression में जाओ, इससे अच्छा put it then and there, stop them then and there, simple. और चुपचाप कुछ नहीं होता है, हमको बोलते हैं ठीक है मत ध्यान दे, यार ध्यान क्यों ना दे, अगर आज आप एक पे ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे लाखों बनेंगे, अगर आप चुप नहीं कराओगे ना तो ऐसे लाखों बनेंगे।
और ध्यान क्यों नहीं दे भाई मेरा सोशल मीडिया, अगर मुझे तुम सुबह से लेकर रात तक ऐसे मैसेजेस करते रहोगे, इट इज गोइंग टू टेक अ टोल ऑन माय मेंटल हेल्थ. और मैं अपनी मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए आई विल डेफिनेटली टेक अ स्टेप, क्योंकि वो चाहे कोई मिनिस्टर का बेटा ही क्यों ना हो या कहीं से भी आया हो, इट डज नॉट मैटर. अगर आपने कुछ गलत बोला है वो गलत है, एंड अ पर्सन शुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सेइंग रॉन्ग थिंग्स. Our speech, our parents are there on social media. They are reading those comments. Exactly. I'm sure my mom will live dekh rahi hongi. Yeah. Main sure hu. And then when they read those comments and like how they must be feeling, imagine. Right. See, Piyush, meri mummy, mere papa, meri behan sab dekh rahe hain. I know. See, pata kya? Hi, auntie. If you're watching this. So, Mama just came. She was like, "Give Khushi my love." So, see, आज अगर मैं ये कहूँ कि see, अभी बीच में जो भी हुआ था with सुशांत, उसके बाद मेरी मॉम का आया था फोन कि देख अगर तेरे को काम नहीं मिलेगा ना तो तू आना आजा वापस, अपन यहाँ कुछ कर लेंगे, जयपुर में अपना है सब कुछ है. तो उनका वो था. अब टेक्निकली जो हुआ वो, और उन्होंने मुझे बोला अगर कुछ काम भी ना मिले ना तो कुछ अपने पे थॉट मत लाइए तू, कि देखो अगर काम नहीं मिल रहा कि तू हो जाएगा डिप्रेस हो जाएगा, तो ऐसे मत करना. हम कुछ हम अपने शहर में है बकुश है कुछ, हम वहाँ कर लेंगे कुछ. ये उनका थॉट होता है, राइट. कल को अगर वो ये देख लेंगे कोई इंसान मुझे, अब उनको इतना नहीं है ना आइडिया कि वो जाएंगे मेरी पिक्स पे और चेक करेंगे क्या क्या आया, मतलब कॉमेंट्स आए हैं. कल को वो ये देख लेंगे कि एक इंसान ये लिख रहा है पीयूष तू कब मरेगा ये बता, देखो मारना है मुझे. अगर वो ये देख ले तो उनका थॉट क्या होगा, उनको नहीं पता ना इतना कि लाइक ये लोग ट्रोल कर रहे हैं, इनकी औकात नहीं, ये सब भौंकने वाले कुत्ते हैं, ये बोलो हमें. लेकिन उनके को क्या होगा कि यार ये मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ये कुछ करना रहे तो मुझे मेरे बारे में जो बोलना है बोलो. अगर इनके बोलने से मेरी मॉम की तबियत खराब होती है तो मुझे वहां दिक्कत होती है. इसलिए मैंने अकाउंट भी इतने बंद कर दिया, लेकिन कल को मेरी मॉम ने वो सब कुछ देख लिया तो यार उनकी तबियत खराब होगी और मैं उनके पास में नहीं हूँ फिलहाल. और ये लोग कभी भी ये बात नहीं समझते, इनको ये बात कभी समझ में आई कि इनको दिक्कत मुझसे है तो ये फैमिली पे क्यों जाना है, मेरी फैमिली क्यों सफर करे, दिक्कत मुझसे है मुझे बोलू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जहाँ पर हूँ उससे हर रोज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पीछे मुड़ के नहीं देख रहा हूँ. लेकिन इनको फैमिली के बारे में बोल के पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता क्या मिलता है इनको, आई हैव नो आइडिया इनकी क्या सोच है, क्या इनका थॉट प्रोसेस है कि फैमिली के बारे में बोलना है, आई हैव नो आइडिया इंसान है क्या, आई हैव नो आइडिया. And I think after dating me, ये hatred double हो गई है. अरे हेटरेट तो आएगी यार, तुम दोनों इतने हॉट हो, तुम दोनों साथ में कपल हो, एंड देन आई थिंक योर हॉटनेस फैक्टर इज ऑल्सो रेज्ड टू अनदर लेवल नाउ, तो लोग जेलस हैं और वो बोल रहे हैं. मैं पता ये बात एक बात मानता हूँ कि जो भी लोग ये फालतू बोलते हैं, उनको सिर्फ एक बात ही बोलना चाहूंगा कि पहले जिस मुकाम पे हम लोग पहुंचे हैं आप लोग पहले वहां पर आइए, उस मुकाम तक पहुंचिए, उस लेवल तक आइए, फिर हमें बोलिए. क्योंकि अभी आप लोगों ने कुछ मेहनत नहीं करी है, आप लोग घर में आराम से बैठ के कूलर ऑन करके चलो आज गालियां बकते हैं और फिर आपको ये चाहिए कि हाँ मैं सही हूँ और ये गलत है. कूलर के अंदर पानी भर जिंदगी भर तक, ये तू वही करेगा. यू वॉन्ट बी एबल टू अफोर्ड अ विंडो एसी स्प्लिट तो भूल जा, ठीक है. यू वॉन्ट बी एबल टू अफोर्ड अ विंडो एसी, तू कूलर में पानी भर और तू क्या गालियां बोल. लेकिन हाँ जब तू मेरे मुकाम तक पहुंच जाए, 8 साल तक थिएटर कर ले, 320 प्ले कर ले, फिर आगे मुझसे बोलना कि भाई तू ऐसा है तू वैसा है, मैं तेरे आराम से बात पक्का सुनूंगा अभी. लेकिन तब तक ना बिल्कुल तू चुप ही रहे, तू तू एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे लिए. स्काय जो है ना मतलब पॉटी करता है ना, तू है समझ बात है, तू है मेरे लिए. पीयूष, I love your honesty and I love your straightforwardness. आपने इतनी खुल के सब बात बताई हमें. It's absolutely commendable. Thank you so much, Khushi, for coming on the show and putting forward your story. मतलब ऐसा सच में लग रहा है मुझे. I can feel your pain. What is going on with you? And ऐसा क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है तो मैं इसलिए थोड़ा ज्यादा feel कर पा रही हूँ. So thanks a lot for coming on the show and putting forward your story and sharing your story with me and our audience. I'm sure सबको बहुत अच्छा लगा होगा. And just last में आपसे एक बार पूछना चाहती हूँ कि वो cyber bullying के लिए कौन सा website है जहाँ पे जाके हम crime register कर सकते हैं? There is a page called Ignore No More and you can give this message to your followers also.
they can take a screenshot, they can send me. I'll help them. ओके तो यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं अगर आप साइबर बुलिंग से फेस कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो या तो आप खुशी से टच में आ सकते हैं या तो पीयूष से टच में आ सकते हैं नहीं तो मिस मालिनी का पेज है ऑन इंस्टाग्राम जिसका नाम है इग्नोर नो मोर वो हैशटैग यूज कर सकते हैं अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली गो एंड रिपोर्ट इन द साइबर ब्रांच द पुलिस क्राइम ब्रांच थैंक यू गाइज इट वॉज अ प्लेजर टू हैव यू बोथ आई विश आपकी तारीफ प्लीज भाग जाए और कोई भी बुली आपको एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं करे अब फर्क ही नहीं पड़ता यार वी गॉट सो यूज्ड टू नाउ ओके सो एनी मैसेज यू वांट टू गिव आउट इन द एंड टू ऑल द पीपल हु आर गेटिंग बुलीड बहुत सिंपल सा है कि ध्यान मत दो ठीक है जब तक हो सके ध्यान मत दो लेकिन अगर तुम्हें सच में इनको जवाब देना है ना फिर तो फिर खुल्लम खुल्ला जो बोल रहे हैं बोलो आके मतलब नॉट कि लाइव पर आके अपने बिकॉज़ हम लोग क्या करते हैं अक्सर कि लाइव पर आके या फिर हम लोग पोस्ट डालते हैं वो मत करो एक्शन लेना है ना तो एक्चुअल एक्शन लो या फिर ध्यान ही मत दो इग्नोर या फिर एक्चुअल एक्शन लो गो फॉर जाओ बोलो पुलिस को उनकी लिखाओ रिपोर्ट उनको पकड़वाओ और मेक श्योर बोलो क्या सफर करें और दूसरा जो लोग नहीं कर पाते उनको डर लगता है ऐसे कि नहीं यार ये लोग करने क्या कर देंगे मत डरो यार तुम्हें टैलेंट है लोग तुमसे क्या जलते हैं तो मत ध्यान दो उस पे तुम आगे बढ़ते रहोगे वो लोग जलते रहेंगे वही तुम्हें नीचे नहीं खींच पाएंगे वर्क ऑन योरसेल्फ कुछ गंद बोल रहा है भौंकने तो हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार सिंपल राइट खुशी वुड यू लाइक टू से समथिंग अ मैसेज टू ऑल द पीपल हु आर गेटिंग बुलीड I would only say one thing that don't ignore because I have ignored a lot and now I started giving it back and it's really working for me. मेरे को messages आते हैं sorry के अब मुझे messages आने लगे हैं कि ma'am sorry गलती होगी. I track हो रहा हूँ बस हाँ. So don't ignore. According to me, don't ignore. मेरे dog के बारे में कुछ कहा ना किसी ने भगवान कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. Of course, dog and my highness के बारे में कुछ कहा ना. I swear. तुम्हारे डॉग के बारे में कुछ नहीं कहेंगे मेरे बिल्ली के बारे में कुछ नहीं कहना पेट्स के बारे में कोई कुछ कहा ना आए स्वयं की पॉटी सेव रखूंगा और तुम जब मिलेगा ना तुम्हारे मुंह को खिलाऊंगा बकायदा उनके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मेरे बारे में बोल उनके बारे में कुछ कहा ना भाई तुम मिल उसके बाद तो Guys, it was fun talking to you, and this was a very, very informational session. Thank you so much for thank you for being here. You take care. I'll see you soon. When are you coming back? As soon as COVID situation becomes normal in Bombay, main aa jaungi. Bombay mein sab normal hai. Trust me. You see, from here I can see everything is normal. It doesn't look like it's not normal. या बट अगर घर पे आओ एक बार और न्यूज चैनल चलाओ तो फिर आप देखोगे क्या क्या दिखाते हैं बॉम्बे के बारे में डोंट गो ऑन मीडिया ट्रस्ट मी जो 20% होता है वो 80% दिखा रहे होते हैं सो डोंट गो ऑन मीडिया जी नहीं बट पेरेंट्स को अभी बहुत लग रहा है यू नो एंड ऑल्सो द डिजीज इज एनी विच वे स्प्रेडिंग सो आई एम श्योर उन लोग को भी थोड़ा शांति रहेगा और वैसे भी अभी बॉम्बे में ज्यादा काम हो नहीं रहा है आई थिंक फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स काम नहीं है दैट्स ट्रू So once the work will get started, you can come back. Bilkul. I'm gonna come and I'm gonna play with your doggy Sky. Yes, please do that. Thank you so much. Okay, guys. See you soon. See Bye. You soon, baby. So my friends, that was my session today on cyberbullying with Piyush and Khushi. कल फिर से एक बड़ा ही interesting session होने वाला है जहाँ पे हम बात करेंगे about independent, strong, successful Indian women. And कल की story मैं अपने साथ लेके आने वाली हूँ फैशन आइकन ऑन वार्तालाप विद आकृति हर नेम इज अचला सचदेव शी वॉज माई मेंटोर व्हेन आई स्टार्टेड इन द करियर ऑफ मॉडलिंग और वहां से लेके अब तक नाउ शी इज ऑल्सो अ वेरी डियर फ्रेंड एंड शी इज लाइक फैमिली टू मी तो कल हम उनसे बात करेंगे एंड जानेंगे वॉट इज हर स्टोरी सो स्टे ट्यून्ड एंड दिस इज वार्तालाप विद आकृति अगर आप चाहें तो मुझे यूट्यूब पे और एप्पल पॉडकास्ट पे और गूगल पॉडकास्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना एंड रिमेंबर गाइज #ignore no more बाय बाय